Dear students, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to study the summary of our second chapter, class 12 English, Lord's Spring. This particular chapter is written by Anish Chan. After the summary, we will just have some MCQs based on the same chapter. So let us start this particular session without any further delay. As you can see the title Lost Spring, जैसे कि आप टाइटल को देख पा रहे हैं Lost Spring, ये लिखा है अनिश चंद ने. So this particular chapter can be divided into two parts. इसको दो parts में हम divide कर सकते हैं. First part is completely dedicated to साहेब, who is a rag picker. जो first part है वो साहेब को dedicate है, जो कि एक rag picker है. And second part is dedicated to Mukesh, who belongs to a bangle making family. And he wants to become a motor mechanic. वो एक motor mechanic बनना चाहता है. Now let us start. देखें. सबसे पहले अगर बात करें, the story Lost Spring. ये जो कहानी है Lost Spring, written by Anish Chan. ये Anish Chan ने लिखी है. Revolves around the pitiable. Pitiable मतलब कह सकते हो pathetic या painful. Painful. कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु हैव बीन फोर्स टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड. यानी ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, उन बच्चों के चारों ओर घूमती है जिन बच्चों, जो गरीब जो बच्चे हैं उनको फोर्स किया जाता है टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड. यानी अर्ली एज के अंदर, यानी बचपन में ही जो उनका एज होना चाहिए, जब उनको अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहिए, वो छोटी उम्र में ही अपने चाइल्डहुड को खो बैठते हैं. तो उन लोगों की, उन बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया गया है. Those who live below poverty line, जो कि पावर्टी लाइन से नीचे जीते हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे ज्यादा जीते हैं, और उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना होता है. ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि हमारा जो समाज है उसकी जो सोशियो सामाजिक और जो आर्थिक कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. दैट प्रिवेल्स, प्रिवेल्स का मतलब होता है मेंटेन करना इन द मैन मेड वर्ल्ड. और ये जो पूरी की पूरी जो एक डिस्पैरिटी है, एक डिस्पैरिटी है गरीब और अमीर के बीच में, सामाजिक और अगर आर्थिक तौर पे जो इतना भेदभाव है गरीब और अमीर के बीच में, जो कि हम इंसानों ने बनाया है, ये उस पर्टिकुलर थीम के ऊपर ये पूरा चैप्टर घूमता है, जहाँ पे ये जो बच्चे जिनको अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहिए लेकिन छोटी उम्र में वो अपने चाइल्डहुड को भूल बैठते हैं, और एट द सेम टाइम उनको काम करना पड़ता है, उनको पॉवर्टी में जीना पड़ता है. द चिल्ड्रन आर, और ये जो बच्चे हैं डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब लैक, लैकिंग. ये जो बच्चे हैं डिप्राइव ऑफ, लैकिंग ऑफ देयर बेसिक राइट्स, यानी इन बच्चों को जो एक मूलभूत जो अधिकार मिलने चाहिए उनको वो अधिकार भी नहीं मिले हैं. टू हेल्प देमसेल्फ, जिससे कि वो खुद की मदद कर सके. कम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेसफुल प्रेजेंट, डिस्ट्रेसफुल फुल ऑफ स्ट्रेस, मतलब एक ऐसा प्रेजेंट जिसमें बहुत सारी वरीज है, दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, जिससे कि वो इन एक ऐसे प्रेजेंट के अंदर उनको जीना पड़ रहा है जहां पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो इन लोगों को, इन बच्चों को वो राइट्स भी नहीं मिले हैं जिससे कि ये इन सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकल पाए. द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इंप्रेशंस, इंप्रेशंस का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से थॉट या ओपिनियन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स. और पहले अगर बात करें पार्ट नंबर वन के अंदर, जो अनिश यंग है उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है, उनका अपना एक ओपिनियन है रैग पिकर्स को लेकर कि उनकी लाइफ किस तरीके से होती है. द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड ट्रांसफर्ड, और ये जो रैग पिकर्स है वो कहाँ से ट्रांसफर्ड हो चुके हैं, ये यानी ढाका जो कि कैपिटल है कहाँ की, बांग्लादेश की. तो ये जितने भी रैग पिकर्स हैं वो ढाका से यहाँ पर आए हैं. एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी, और उन्होंने अपने आप को सीमापुरी जो कि इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है, जो कि दिल्ली के आउटर एरिया के अंदर पड़ता है. तो ये सारे के सारे माइग्रेंट ढाका से शिफ्ट होकर, माइग्रेट होकर दिल्ली के अंदर जो एक सीमापुरी इलाका है जो कि एक स्लम एरिया है, वहां पर आके उन्होंने वहां पर आके सेटल हो गए हैं. उन्होंने अपने घर बना लिए, घर इन द सेंस उन्होंने अपने छोटे छोटे हट्स बना लिए हैं, वहां पर आकर झोपड़ी बना ली है. The fields and homes have been swept away by storm.
अब उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा, क्योंकि जनरली जब वो ढाका में होते थे तो उनके जो फील्ड्स है, खेत है, घर है, स्वेप्ट अवे, बह जाते थे बाय स्ट्रॉम। वहां पर अक्सर मतलब तूफान आते रहते हैं। ढाका का अगर अगर बात की जाए उसका जियोग्राफी, तो वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जनरली वहां पर तूफान आते रहते हैं, जिनकी वजह से उनके घर और उनके जो फील्ड्स थे अक्सर तबाह हो जाते थे। दे हैड कम टू बिग सिटीज टू फाइंड अ लिविंग, और इस वजह से अपनी जिंदगी को जीने के लिए वो शहर में आ गए। दे आर पुअर, हालांकि वो गरीब है। द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब है सर्चिंग। और जो अनीश जंग है वो साहिब नाम का एक जो लड़का है जो कि एक रैग पिकर है, उसको हर रोज देखती है कि साहिब कुछ ढूंढ रहा है गोल्ड इन हर नेबरहुड। गोल्ड का मतलब समथिंग यूजफुल इन गार्बेज, गार्बेज के अंदर कुछ भी ऐसा यूजफुल जिसको मार्केट में सेल करके कुछ पैसा कमाया जा सकता है। तो जनरली साहिब जो पाइल ऑफ गार्बेज होता था, ढेर होता था, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश करता था जिसको मार्केट में सेल किया जा सकता है। और ये साहिब नाम का जो लड़का वो एक रैग पिकर है, और अनीश जंग उसको हर रोज अपनी पड़ोस के अंदर, अपने नेबरहुड के अंदर उसको देखती है। देयर आर नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब, सिर्फ साहिब ही एक ऐसा रैग पिकर नहीं है बल्कि साहिब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इसी तरह के काम को करते हैं। They all are barefooted, और सभी के सभी नंगे पैर रहते हैं। They find tradition, और जब अनीश जंग ने उनसे पूछा कि आप लोग नंगे पैर क्यों रहते हैं, They find tradition, और उनका कहना था कि ये उनका tradition है, उनकी परंपरा है। And vocation, vocation का मतलब रोजगार, as an excuse for not wearing one, though the real reason is their poverty. और जब उनसे पूछा गया कि आप लोग नंगे पैर क्यों रहते हो और आप यही काम क्यों करते हो, तो उनका जो स्टेटमेंट था, उनका जो आंसर था, वो अपने आप में क्या है, एक एक्सक्यूज ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कुछ ना, तो उनके पास पहनने के लिए पेयर ऑफ स्लीपर्स है ना, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्लीपर्स को। एट द सेम टाइम उनके पास कोई दूसरा काम भी नहीं है जिसकी वजह से उनको रैग पिकिंग का काम करना पड़ता है, और गरीबी की वजह से उनको ऐसा करना पड़ता है। गार्बेज इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल, और जो गार्बेज है उनके लिए एक लाइवलीहुड का काम करता है, सर्वाइवल, जीने में उनकी मदद करता है। फॉर एल्डर्स एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स समथिंग रैप्ड इन वंडर, अगर बात की जाए जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए गार्बेज का मतलब सर्वाइवल है, यानी गार्बेज के जरिए वो अपनी जिंदगी को चला पाते हैं। और जहां पर अगर बच्चों की बात की जाए, उनके लिए रैप्ड इन वंडर, कवर्ड इन वंडर। और जनरली जब वो पाइल्स के अंदर, गार्बेज के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके लिए एक वंडर है, आश्चर्य चकित एक काम है। जनरली जब भी वो कभी पाइल के अंदर, गार्बेज के अंदर हाथ डालते हैं, तो उनको लगता है अभी पता नहीं कौन सी चीज मिलेगी, तो उनके लिए एक वंडर का काम करता है जनरली। और बात की जाए एल्डर्स के लिए, तो वो एक सर्वाइवल का काम करता है गार्बेज, क्योंकि उन्हीं से उसकी दुनिया चलती है। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस कॉइन और टू फ्रॉम इट, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गार्बेज के ढेर में जब कुछ चीज को ढूंढ रहे होते हैं, कई बार उनको एक सिक्का मिल जाता है या कई बार दो सिक्के मिल जाते हैं। दीज पीपल हैव डिजायर एंड एम्बिशंस, और इन जो लोग हैं इनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, डिजायर होती हैं, बट दे डू नॉट नो वे टू अचीव देम, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता कि किस तरीके से वो उनको अचीव कर सकते हैं। दे आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू देम, और अगर बात की जाए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इन तक पहुंचती नहीं है, नेमली शूज, टेनिस एंड द लाइक लेटर्स। और अगर बात की जाए जैसे शूज की अगर बात की जाए, ए पेयर ऑफ शूज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साहिब को टेनिस खेलना पसंद होता है, लेकिन टेनिस एक बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है जिसकी वजह से साहिब इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेटर साहिब जॉइंस अ टी स्टॉल, और साहिब ने बाद में क्या किया, अपना रैग पिकिंग का काम छोड़कर टी स्टॉल को ज्वाइन कर लेता है, वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज, जहां पर उसको अपने काम करने के लिए 800 रुपए महीने का मिलता है, एंड ऑल द मील्स, और हर वक्त का खाना। The job has taken away his freedom. लेकिन जब वो एक रैग पिकिंग का काम करता था, so he was the master of his own destiny. अपनी किस्मत का वो खुद मालिक था, लेकिन जब से उसने टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट किया है, तो उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो आजादी है, वो कहीं ना कहीं छीन गई है।
तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका. सेकंड पार्ट मुकेश के बारे में है. द सेकंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश. ये जो सेकंड पार्ट ऑफ मुकेश नाम का एक लड़का है उसके बारे में है. ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, जो कि एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है. फिरोजाबाद इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. और फिरोजाबाद जो कि यूपी के अंदर आता है वो अपनी ग्लास इंडस्ट्री के लिए, वहां पर जनरली बैंगल मेकिंग का काम या ग्लास से रिलेटेड, शीशे से रिलेटेड सारे के सारे काम वहां पर किए जाते हैं. और मेनली वहां पर बैंगल मेकिंग का काम ज्यादा किया जाता है. नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर इंगेज इन दिस बिजनेस. और अगर बात की जाए वहां पर फिरोजाबाद के अंदर 20,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं. एंड द लॉ, और एक ऐसा कानून दैट फॉरबिड्स का मतलब यहाँ पर एक तरीके से प्रिवेंट करना, चाइल्ड लेबर इज नॉट नॉन हेयर. और चाइल्ड लेबर के तहत जो कानून है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी 20,000 के करीब जो बच्चे हैं वो बैंगल मेकिंग के काम में इंगेज हैं. द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरमेंट इज वोफुल टेल, पेनफुल, सोरोफुल. और उन बच्चों की अगर बात की जाए जो वर्किंग एनवायरमेंट है यहाँ का, बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही सोरोफुल है. लाइफ इन डिंजी सेल्स, डिंजी मतलब नैरो सेल्स में यहाँ पे यूज किया गया, छोटे छोटे उनके जो घर हैं. एंड वर्किंग क्लोज टू द हॉट फर्नेसेस, और अंगीठी के सामने बैठ जाना, भट्टी के सामने बैठ जाना. और जनरली वो लोग क्या करते हैं अपने छोटे छोटे घरों में, मतलब बैंगल मेकिंग का काम करते हैं और भट्टी के सामने बैठ जाते हैं. मेक दिस चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से ये जो बच्चे होते हैं ब्लाइंड अर्ली एज में, वो क्या हो जाते हैं अंधे हो जाते हैं. व्हेन दे स्टेप इनटू अडल्टहुड, मतलब जब अडल्टहुड में जाते हैं तो उसी टाइम वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं. वेइंग डाउन बाय डेथ, और इनके जो सर है वो हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं. दे कैन नीदर थिंक, ना तो वो सोच पाते हैं, और नोर फाइंड अ वे टू कम आउट, और ना ही उनको कोई रास्ता दिखाई पड़ता है जिससे कि वो इस गरीबी से बाहर निकल सके. ट्रैप, यानी वो इस जो गरीबी वाला ये जो जाल है उससे वो बाहर निकल सके. द पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिक हैं, मिडलमैन, पुलिसमैन या ब्यूरोक्रेट्स, जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, विल ऑल ऑब्स्ट्रेक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस. ऑब्स्ट्रेक्ट का मतलब इंटरफेयर करना या फिर उसको डिस्टर्ब करना. अक्सर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हमेशा ही उनकी प्रोग्रेस को हैम्पर करते हैं, उसमें हमेशा अड़चन डालते हैं, कभी भी उनको जिंदगी में सक्सीड नहीं होने देते हैं. द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर, और जो घरों में जो महिलाएं होती हैं उनका ऐसा मानना है एज देयर फेट, कि ये जो है वो इनकी किस्मत है, उनकी डेस्टिनी है. एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, और मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो इस ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे थे. आज मतलब उसका हस्बैंड उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, आने वाले बच्चे उस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे. तो ये जो ट्रेडिशन है जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही चलता रहेगा. मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉक, मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल. लेकिन जो मुकेश है वहां के जो लोग हैं उनसे उसका जो थॉट है, उसका जो सोचने का जो तरीका है उन लोगों से क्वाइट डिफरेंट, यानी काफी अलग है उसका सोचने का तरीका. ही ड्रीम्स, क्योंकि वो सपने देखता है. ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मैकेनिक, क्योंकि वो एक मैकेनिक बनना चाहता है. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू लर्न द ड्राइविंग कार, और सबसे पहले उसको सीखना था कि कार को कैसे चलाते हैं. एंड अग्रीड टू गो टू गैरेज विच वॉज फार मैकेनिक, और कहीं ना कहीं मतलब वो क्या करना चाहता था, और वो गैरेज जाना चाहता था और एक मैकेनिक बनना चाहता था. हालांकि इस बात को देखा जाए तो वो भी उसकी रीच से कहीं दूर दिखाई पड़ता है. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू लर्न द ड्राइविंग कार एंड अग्रीड टू गैरेज विच वॉज फार अवे फ्रॉम हिज होम. ये लाइन रिपीट हो गई, ऑलरेडी हम इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं. फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू गैरेज, और वो गैरेज जाने का डिसाइड करता है. एंड लर्न द जॉब ऑफ अ मोटर मैकेनिक, और वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा. अनिश जंग गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर. अब हमने दोनों चैप्टर्स को, दोनों पार्ट्स को स्टडी किया है, तो अनिश जंग ने अपनी आवाज उठाई है एलिमिनेट करना, किस चीज को इरेडिकेट करना, किस चीज को हटा देना, किस चीज को खत्म कर देना. अनिश जंग ने अपनी आवाज उठाई कि जो चाइल्ड लेबर है उसको क्या किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए. बाय एजुकेटिंग दी चिल्ड्रन, और बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए.
टू इनफोर्स लागू करना द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और जो चाइल्ड लेबर के का जो कानून है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। द कॉल इज टू एंड चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन, और कहीं ना कहीं जो बच्चों को एक्सप्लोइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उस एक्सप्लोइटेशन को भी रोकना चाहिए। एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द डेज ऑफ स्प्रिंग ब्रिंग जॉय अंडर देयर फीट, और इन बच्चों को भी जो दूसरे बच्चे होते हैं, जो आम बच्चे होते हैं, जो कि अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, इन द सेम वे इन बच्चों को भी क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो भी अपने चाइल्डहुड का जो जॉय होता है उसको वो क्या कर सके, उसको एंजॉय कर सके। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इसका एक्सप्लेनेशन था, अनिल चंद ने बहुत अच्छे मुद्दे पे बात की है। नाउ लेट अस डिस्कस द एमसीक्यूज, अब हम एमसीक्यूज का डिस्कस करते हैं। इट विल जस्ट डेफिनेटली इनहांस योर लर्निंग टुवर्ड्स दिस चैप्टर, आपकी जो लर्निंग होगी इस चैप्टर के लिए वो इससे पता चलेगी आपके कितने मार्क्स इस वर्कशीट में आए हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स, How many marks did you score in this worksheet? देखिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं हम। मुकेश wants to learn to become a motor mechanic by, अब देखो जर्नलिस्ट मैं इसके सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, going to a garage to learn, ऑब्वियसली बात है वो गैरेज जाएगा और क्या करेगा, सीखेगा कैसे गाड़ी को चलाना है। What bothers the author most about the bangle makers, मतलब क्या चीजें जो bother करती, परेशान करती है। देखिए अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी, सबसे पहले वो गरीब है और कास्ट, यानी वो बैंगल मेकिंग की कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन उनका वही काम चलता रहता है, राइट, जनरेशन टू जनरेशन उनका वही काम चलता है। वन सेकेंड, यस, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, These lines were said in the reference to the condition of, ये जो lines कही गई थी, the elderly woman and old husband, क्योंकि एक बूढ़ी औरत थी अपने husband के बारे में बता रही थी कि at least उनके सर पर एक छत तो है, तो option number one is the correct answer. Question number four देखते हैं, which of the object below best serve as a symbol of an Indian woman's suhag? हालांकि ये सारे के सारे जो चीजें वो सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अगर बात की जाए बैंगल्स को, क्योंकि चैप्टर बैंगल्स से रिलेटेड है, तो बैंगल्स इज द करेक्ट आंसर। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज अ रेफरेंस टू, ये रेफरेंस बैंगल्स का ही दिया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वॉज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर द बिकम ही बैंगल मेकर, बैंगल मेकर बनने से पहले जो मुकेश के फादर थे वो एक टेलर थे, सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। द फ्रेल, फ्रेल का मतलब वीक होता है, द फ्रेल वुमेन इन द मुकेश हाउस इज एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ, यानी जो मुकेश के बड़े भाई हैं उसकी वो वाइफ थी। इफ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड, अगर कानून को लागू किया जाता है, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ ऑफ अबाउट, कितने लोग वहां पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन है वो वहां पर काम करते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेस इन टाउन ऑफ फिरोजाबाद, ये पूरा का पूरा चैप्टर, फिरोजाबाद एक नाम की जगह है जो कि यूपी के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर बैंगल मेकिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, तो मुकेश कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। वन डे साहिब वॉज सीन बाय ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, और जब साहिब क्या देख रहा था, वो फेंसिस के साथ में खड़ा था और देख रहा था कुछ यंग जो बच्चे थे वो क्या कर खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। अकॉर्डिंग टू ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर अ, तो अब ऑथर के हिसाब से जो रैग पिकिंग है ना, अभी वो रैग पिकिंग ना होकर एक फाइन आर्ट बन चुका है, फाइन आर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, हालांकि जो रैग पिकर्स है वो ढाका से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उनके पास परमिट्स हैं, क्योंकि उनके नाम राशन कार्ड में आ चुके हैं, तो यहाँ पे परमिट्स की बात की जाए तो उनको वो परमिट्स मिल चुकी है। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन सीमापुरी, जो कि आपका क्या है, दिल्ली का जो आउटस्कर्ट एरिया है वहां पर ये एक स्लम एरिया है जिसको सीमापुरी बोला जाता है। व्हाट डिड द मैन कम
What did the man from UDP pray for when he was young? मतलब यहाँ पे एक उदीपी का एक बच्चे की भी कहानी बताई गई थी. क्या था वो कि जब वो यंग हो जाएगा तो क्या करेगा, अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि अ पेयर ऑफ शूज के बारे में प्रे करता कि भगवान एटलीस्ट मेरे पास प्रे क्या होना चाहिए, अ पेयर ऑफ शूज होना चाहिए. वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयर फुट इज, वो कहता है कि वो उनका ट्रेडिशन है, क्योंकि बच्चों से जब उसने पूछा तो कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना, बट दिस इज नॉट द रियलिटी बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन साहिब ने पूछा था अनीश जंग से. वट वर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, क्या ढूंढ रहे थे, गोल्ड. गोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो ढेरी होती है कचरे की उसके अंदर जनरली वो कुछ यूजफुल चीजें निकालने की कोशिश करते थे, जिसको वो मार्केट में सेल करते थोड़ा बहुत पैसा अर्न करते थे. सो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर. साहिब होम बिफोर दिल्ली वॉज इन, साहिब का जो घर था वो ढाका के अंदर, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है. Why do you do this? This question was asked by author to whom? साहिब से ये question put किया गया था कि आप ये काम क्यों करते हो. What is Mukesh dream? Mukesh का क्या dream था? Mukesh wants to become a motor mechanic. So D is the correct answer. क्योंकि Mukesh एक motor mechanic बनना चाहता था. What is the means of survival in Simapuri? अगर Simapuri के अंदर बात की जाए तो वहाँ पर लोग rag picking करके अपना survival possible करते हैं. Firozabad is the center of which industry? तो वहां पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर है. व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, क्योंकि देखें कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, कास्ट तो है और एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों से वो यही काम करते आ रहे हैं, कर्म है उनका, डेस्टिनी है, ठीक है. ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस वो उनको फोर्स करते हैं, उनको इंप्रूव नहीं करने देते, लाइफ के अंदर सक्सीड नहीं करने देते, ये भी एक रीजन है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. Who is Mukesh? Mukesh is a bangle maker, right? क्योंकि वो एक bangle making से belong करता है. What makes the working condition of children worse in the glass industry? देखिए वहाँ पर dodge, dingy cells होते हैं, छोटे-छोटे rooms होते हैं, dazzling and sparkling welding light. वहाँ पर light बहुत ज़्यादा होती है, high temperature होता है. All of these is the correct answer. All of these is the correct answer. ये सारे के सारे reasons हैं. Who employs the local families of Firozabad? तो जनरली वहां पर फिरोजाबाद के अंदर हर एक फैमिली ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय है, वहां पर जॉब करती है. व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर, हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, गोइंग टू गैरेज, उसको गैरेज में भी जाना होगा, गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर एंड ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ये सारे उसको मतलब ये सारी चीजें उसको जरूरत पड़ेगी इफ ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. व्हाई डिड साहिब लीव ढाका, ढाका उन्होंने क्यों छोड़ा था? देखिए क्योंकि वहां पर लैक ऑफ फूड था, क्योंकि जनरली वहां पर स्ट्रॉन्ग के फील्ड्स को क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे. व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर, साहिब रैग पिकर क्यों बना, क्योंकि उनके पास अक्यूट पॉवर्टी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीबी से क्या थे, विक्टिमाइज थे, इस वजह से उनको ये काम करना पड़ता है. Why did Sahib go through garbage dumps? देखो उनके पास ये सारे reasons होते to find a silver coin, a rupee, a 10 rupee note. All of these is the correct answer. क्योंकि generally इन चीजों को ढूंढने के purpose से वो garbage के अंदर क्या करते हैं, उसमें search करने की कोशिश करते हैं. What does the title Lost Spring symbolize? Lost Spring का जो मतलब है lost blooming childhood, यानी कि जो बच्चों का जो अर्ली चाइल्डहुड का जो जॉय होता है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है. सो व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, दे अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं और आफ्टरनून के अंदर वो वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड, अब साहिब ने मतलब अपना रैग पिकिंग का काम छोड़कर वो कहीं जॉब करने लग गया था, और वो कहाँ पे जॉब करता था, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी. वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल, साहिब स्कूल क्यों नहीं जाता था, बिकॉज हैड नो मनी टू पे फीस, क्योंकि उसके पास फी पे करने के पैसे नहीं थे. वट वॉज साहिब लुकिंग फॉर, गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पे समथिंग यूजफुल फाउंड इन द गार्बेज, तो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू The author, what was garbage for children?
तो गार्बेज उनके लिए क्या था, अ वंडर, राइट, रैप्ड इन वंडर. तो कहीं ना कहीं वो वंडर होता था बच्चों के लिए, लेकिन एल्डर्स के लिए वो क्या होता था, अ मींस ऑफ सर्वाइवल. व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन, क्या वजह है इन बच्चों की, जो क्या वजह है इन बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया जाता है. एक्सट्रीमली एक्सट्रीम पॉवर्टी इज द रीजन, क्योंकि गरीबी की वजह से इन बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया जाता है. व्हाट डज द ऑथर एनालाइज द स्टोरी, देखो पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोइटेशन, ये पूरी की पूरी स्टोरी इसी थीम के ऊपर बेस्ड है कि पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोइटेशन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, अनीश जंग हैज रिटन दिस चैप्टर. What change did Anish Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? यानी जब वो बच्चे टेनिस खेल रहे थे तो उस टाइम वो उन बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखता है. So as if lost his freedom, lost his ownership, lost joy and all of these. Yes, all of these is the correct answer. क्योंकि उसने जब उसने टी स्टॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली सी बात है उसने अपना जो ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, अब अपनी जिंदगी का खुद का मास्टर नहीं रहा बिकॉज ही हैज टू वर्क अंडर द डोमिनेंस और अंडर द कमांड ऑफ हिज बॉस. व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन लेसन, इसका मेटाफोरिकल मतलब मीनिंग जो दिया गया है वो दिया गया, देखो A little hell. तो सीमापुरी अपने आप में एक नर्क की तरह है. So D is the correct answer. How is Mukesh attitude different from that of his family? यानी किस तरीके से मुकेश का जो attitude होता है अपनी family से different होता है, क्योंकि being daring, firm and clear. क्योंकि वो उसके अंदर daring था, firm था, वो clear था, and he does not want to become a bangle maker, but a motor mechanic. The city of Hyderabad is famous for what? वो famous है bangles के लिए. What are the reasons for the migration of people from villages to city in the lesson? यानी ढाका से बहुत सारे लोग क्या हैं? वो सीमापुरी के अंदर shift हो गए, migrate हो गए. तो उसके पीछे reason क्या था? Sweeping of houses and fields by storm. क्योंकि ढाका एक ऐसे geographical part में situated है जहाँ पर generally तूफान वगैरह आते रहते हैं. तो इस वजह से ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.